सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। वापस आ चुके कौन है वीडियो के साथ। गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं प्रेस को कैसे रिपेयरिंग करें, और यहाँ पे प्रेस में लाइट नहीं आ रहा है। हम लोग स्विच बोर्ड की सहायता से पहले प्रेस को चेक कर ले रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते गाइस स्विच भी उसका चेक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रेस को ओपन करने जा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते गाइस पहले प्रेस को पूरी अच्छी तरह से इसको ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे वायर भी हम लोग का चेंज करना पड़ेगा। इसमें प्लग नहीं है, इसमें एल्युमिनियम वायर लगा रहता है। हम लोग कॉपर वायर का लगाएंगे लिड। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कैसे हम लोग इसको चेक कर लिए हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, और हम लोग इसको लॉक पे बैठा रहता है, और ये ऊपर का डप्पा लॉक पर बैठा रहता है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं टेस्टर की सहायता से हम लोग पूरा आल्ट वाला डब्बा को लॉक पे ये भी बैठा रहता है, और इसको भी हम लोग निकालें। और यहाँ पे जैसे देखा गाइस यहाँ पे तार जो जैसे कि ये एक बार ये कोई खोला होगा तो गलती जोड़ दिया इसने, और इसको हम लोग बनाने के लिए पूरा से पूरे दिमाग में लगा लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस इसमें एक बल्ब रहता है, इंडिकेट बल्ब। वो इंडिकेट बल्ब का एक तार टूट चुका है, वो ख़राब हो चुका है, दूसरा हम लोग इंडिकेट बल्ब लगाएंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पहले हम लोग चेक करेंगे, और यहाँ पे हम लोग का ऑटो कट हो रहा है अच्छे से। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सीरीज बोर्ड की सहायता से। अगर सीरीज बोर्ड नहीं है आपके घर में तो कंटिन्यू टेस्टर की सहायता से, जो कंटिन्यू टेस्टर जो मैं बनाया डीसी से, वो भी आप बना सकते हैं और अच्छे से बना भी सकते हैं। इसलिए हम लोग आपको कंटिन्यू टेस्टर बनाने के लिए बताया गया है। और यहाँ पे हम लोग लिड को शायद लिड नया लगा रहे हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कैसे हम लोग इसके वो कॉपर वाला पीतल या कॉपर का होता है वो पिन, उसके अंदर एक कॉपर होता है जो पीतल कलर का होता है, उसको हम लोग देख सकते गाइस कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, और इसमें हम लोग जोड़ लेंगे अच्छे से। जैसे कि स्विच से हम लोग चेकअप कर लेंगे कि कौन से कटआउट से लाइट कंट्रोल कर रही है, कौन से कटआउट से लाइट इधर से कंटिन्यू कर रही है, उसी तरह हम लोग उसको जोड़ लेंगे। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको वैसे ही टाइट कर लेंगे, और यहाँ पे हो चुका अच्छे से। यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी बल्ब है, ख़राब हो चुका है जो एलईडी बल्ब ने, इससे कंटिन्यू इंडिकेट बल्ब भी ख़राब हो चुका है, तो दूसरा नया है। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी बल्ब जो नया लगाने के लिए हम लोग लगाए रहते हैं, और इसको भी हम लोग बना कर एकदम अच्छे से दिखाएंगे। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस स्क्रू को अच्छे से हम लोग टाइट कर लेंगे। स्क्रू ढीला रहेगा तो हम लोग स्पार्किंग कर लेगा, तो स्पार्किंग करने के कारण ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए कोई भी पेज को वायर में कस रहे हैं तो टाइट कसिए, टाइट कसेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इंडिकेट बल्ब कंटिन्यू बल्ब के सहायता से कंटिन्यू बल्ब, वो भी जो रेड कलर का कंटिन्यू बल्ब होता है वो भी हम लोग इसमें न्यू लगा रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे हम लोग इसको भी लगा लेंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से और फिक्स करके आराम से लगा लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से पूरा अच्छे तरह से टाइट कर लेंगे। पे जो नचाने वाला स्विच रहता है उस स्विच की सहायता से इंडिकेट बल्ब को देखेंगे कि बल्ब हम लोग का कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कैसे बल्ब कट रहा है, और हम लोग का एकदम सही हो चुका है। गाइस इसको हम लोग पैक कर लेंगे, जैसे हम लोग ओपन किए थे तो वैसे हम लोग उसको पैक कर लेंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो
कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमको ये समझ नहीं आया, तो आपको कंटिन्यू करके समझाने की कोशिश किया जाएगा। और यहाँ पे देखा जाएगा इस कैसे हम लोग इसको बना के रेडी कर दे रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इस कैसे हम लोग इसको पेज की सहायता से पूरा अल्ट वाल इसको बंद कर लेंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम लोग तार को अच्छे से दबा के कस लेंगे। अगर तार आपका ढीला रहेगा तो दो तार आपसे जैसे कि खिंचा जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कैसे हम लोग इसको डपक को यूज कर लें। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं पहले हम लोग स्विच बोर्ड की सहायता से इसको चेक कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कैसे हम लोग इसको बना के आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कैसे हम लोग टेस्टिंग करेंगे लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस हम लोग हैंड से इसको छू कर भी देख लेंगे कि लाइट नहीं मार रहा है कि नहीं मार रहा है। लेकिन टेस्टिंग की सहायता से हम लोग लाइट को भी चेक कर लेना चाहिए अच्छे से। अगर टेस्टिंग इस प्रेस में बहुत खतरनाक चीज़ होता है, प्रेस बहुत खतरनाक चीज़ होता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लाइट भी हम लोग को निशाने पे भी आ जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कैसे हम लोग को आ जा रहा है। और यहाँ पे अभी हम लोग देख लेंगे कट जाएगा तो हम लोग का प्रेस सही है, नहीं कटेगा तो मतलब प्रेस ख़राब है। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम लोग 5 मिनट के अंदर आपका प्रेस यहाँ पे हम लोग टच करके देख रहे हैं गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म। 5 मिनट के अंदर आपका प्रेस गर्म हो जाएगा और कंटिन्यू कट जाएगा, ऑटोकट हो जाएगा। फिर से प्रेस ठंडा हो जाएगा हल्का सा तो प्रेस अपने आप ऑटोकट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से दम कंटिन्यू हो चुका है, ऑफ हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आपको प्रेस करके अच्छे से दिखाएंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं पहले हम लोग इसको हटा लें, एक हमारे पास छोटा सा झोला है उसको हम लोग प्रेस करके आपको दिखा रहे हैं ऐसे प्रेस किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रेस एकदम अच्छे से यूज हो रहा है, एकदम गर्म मज़ा आ रहा है। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलते नेक्स्ट वीडियो।